हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज जो है कि हमारा मास्टर वीडियो का तीसरा लेक्चर है और इस मास्टर वीडियो के तीसरे लेक्चर में जो है कि मैं पूरे संपूर्ण बिहार को आज जो है कि खत्म कर दूंगा, जिसमें अगर सिलेबस की मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या सिलेबस सम्मिलित किया गया है तो उसको समझिए। इसमें किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों भोजपुरी सिनेमा, यानी भोजपुरी सिनेमा का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका प्रमुख मूवियाँ कौन कौन है, पहली मूवी कौन बनी, ये सारे चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद से हम इसमें सम्मिलित किए हैं पर्सनालिटीज, जो बिहार के पर्सनालिटीज हैं प्रमुख, उन सारे पर्सनालिटीज को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। उसके बाद से मैं बात करूँ कि जो भाषा है बिहार की उसको भी जो है कि लैंग्वेज को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ कि बिहार वन रिपोर्ट 2019 जो आया था, यानी कि 2019 जो आया था, उस रिपोर्ट से संबंधित सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे सम्मिलित की गई है परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। बिहार में सिंचाई की स्थिति कैसी है, उसका बिहार का प्रमुख फसल क्या है, उन सारी चीजों को यहां पे सम्मिलित किया गया है। उसके बाद बात करूं कि बिहार की जनगणना यानी कि सेंसस ऑफ 2011 की मैं बात करूं कि बिहार की स्थिति कैसी रही है तो उसको देखेंगे यहां पे। उसके बाद से मैं बात करूं कि लोकगीत और लोक नृत्य को यहां पे सम्मिलित किया गया है। और मैं बात करूं कि जो आपका आता है मेले, जो फेयर आते हैं, उस फेयर को भी जो है कि इसमें सम्मिलित किया गया है, तो उसके बारे में मैं जो है कि एक एक करके चीजों को बता दूंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले कि जो भोजपुरी सिनेमा है उसका उद्भव कैसे हुआ। इससे पहले एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप लोगों को एकांत में बैठकर मेरे आवाज को अपने कानों तक जाने देना है, ताकि अगर आप लोग इसको एक बार देख लेते हैं पूरा वीडियो को, तो बिहार की बहुत सारी चीजें आप लोग की क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट इसका नहीं देखा है तो उसको पहले देखें, फिर आप लोग थर्ड पार्ट को देखें, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों समझते हैं। देखिए, भोजपुरी सिनेमा में एक मूवी बनी 1931 ईस्वी में, जिसका नाम था पुनर्मिलन। और पुनर्मिलन मूवी की अगर मैं बात करूं तो ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो भोजपुरी का प्रथम मूवी बनी थी वो बनी थी बलम परदेसिया। क्या बनी थी? बलम परदेसिया। ये मूवी आपकी जो है कि भोजपुरी की पहली मूवी है। और मैं बात करूं कि मैथिली लैंग्वेज में जो सबसे पहली मूवी बनी थी उसका नाम आता है आपका कन्यादान। उसके बाद से मैं बात करूं कि जो मगही आती है, मगही में जो पहली मूवी बनी थी वो बनी थी मैया तोहे चुनरी चढ़ाओ। ये बनी थी आपकी 1964 ईस्वी में, यानी कि मैया किसमें? मगही में बनी थी सबसे पहली मूवी। तो ये भोजपुरी सिनेमा का परिदृश्य रहा। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पुटअप होता है। पुटअप आपका होता है तो सिर्फ और सिर्फ कि पहली मूवी मैथिली की कौन सी है और आपकी 1931 ईस्वी में व्यावसायिक दृष्टिकोण से कौन सी मूवी नहीं बनाई गई थी, कौन सी मूवी है, वो आपकी पुनर्मिलन है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा कि बिहार वन रिपोर्ट 2019, तो इसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि बिहार में कुल वन क्षेत्रफल कितने हैं, तो देखिए ये है आपका 7,299 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि बिहार में टोटल जो है कि 7,299 आपके जो है कि किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है वन। ठीक है, क्लियर है। परसेंटेज की बात करूं तो 7.79% जो है कि 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कि इतना परसेंट वन जो है कि बिहार के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। क्लियर है। अब देखिए कुल वृक्ष आवरण, टोटल वृक्ष आवरण कितने हैं, 2,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे वृक्ष आवरण फैले हुए हैं। कुल आवरण की अगर मैं बात करूं छोटे बड़े वनों को मिलाकर, यानी कि पौधों को मिलाकर, तो वह है 9,562 किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि आपका फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि कुल इसका भौगोलिक क्षेत्र का अगर मैं बात करूं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कि टोटल बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का, न कि भारत का, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का टोटल 10.15% भाग पे जो है कि वन फैला हुआ है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद से भारत के भौगोलिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बिहार में वन जो फैला हुआ है वो फैला हुआ है 1.19% जो है कि भाग जो है कि कवर किया हुआ है बिहार, सिर्फ और सिर्फ बिहार। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले की अगर मैं बात करूं तो
तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं आपके कैमूर, कैमूर के बाद से आता है आपका पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण के बाद से आता है आपका रोहतास। रोहतास आपका झारखंड से लगता है, पश्चिमी चंपारण नेपाल से लगता है, कैमूर भी आपका झारखंड से लगता है। क्लियर है? तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। अब सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें मुंगेर तो कॉमन है, सॉरी कैमूर तो आपका कॉमन है। कैमूर जो है कि क्षेत्रफल में भी ज्यादा है और प्रतिशतता में भी ज्यादा है। चंपारण के जगह पे आपका जमुई आ गया है जो झारखंड से टच करता है, ठीक है, जमुई, फिर आपका नवादा, ठीक है, उसके बाद से नवादा, यानी कि सर्वाधिक प्रतिशतता कैमूर में, उसके बाद से जमुई, फिर आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, क्लियर है इतना। आगे बढ़े, अब न्यूनतम प्रतिशत वाले क्षेत्रफल वाले जो आपके वन क्षेत्रफल वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? तो शेखपुरा आता है, उसके बाद से आता है गोपालगंज, उसके बाद से आता है जहानाबाद, ठीक है। अब देखिए, मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि बिहार का जो जनगणना है उसको समझते हैं, कि बिहार की जो जनगणना है 2011, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है। कितनी है? 10.41 करोड़ है। अगर एग्जैक्ट आंकड़ा की मैं बात करूं तो आपका 10,40,99,452 जो है आपके जो है कि इतनी जनसंख्या है। आपको याद रखने हैं ये वाले एग्जैक्ट आंकड़ा, ना कि ये वाला। 10,40,99,452 आंकड़ा याद रखने हैं, टोटल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। प्रेजेंट टाइम में तो अभी जो है कि 2021 की जनगणना होगी, तो उस दौरान जो है कि ये बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको जो डाटा देना है वो 2011 के अनुसार ही देने हैं। जनघनत्व यानी डेंसिटी कितना है, कि वहां पे एक किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, तो 1106 किलोमीटर स्क्वायर जो है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के दायरे में जो है आपके 1106 लोग रहते हैं। जबकि भारत में अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जनघनत्व जो है कि आपका बिहार का ही है। क्लियर है? और यूनियन टेरिटरीज की बात करूं कि यूनियन टेरिटरीज में सर्वाधिक जो है कि किस यूनियन टेरिटरीज में जनघनत्व है, तो वह है आपके दिल्ली में 1 किलोमीटर के दायरे में 11,000 लोग रहते हैं। कितना रहते हैं? 11,000 लोग रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, भारत में जो जनसंख्या, सॉरी बिहार में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 25.42% का, बहुत काफी है जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे, ठीक है। लिंगानुपात, लिंगानुपात की मैं बात करूं तो ये है आपका 918, जबकि 2001 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम 919 थी प्रति 1000 पुरुषों पे, ठीक है, यानी कि 918 महिलाएं हो गई आपकी 1000 पुरुषों पे। अभी भी महिलाओं की संख्या यहाँ पे कम है, फिर भी ठीक ठाक है, हरियाणा से तो काफी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे 72 लोग ही जो है कि शादी नहीं करते हैं। अब देखिए 2001 के अनुसार 919 है। शिशु लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं तो शिशु लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार जो है कि 935 है, और ये क्वेश्चन जो है आपका अभी 65वीं बीपीएससी के एग्जाम में जो है कि ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से ये फैक्ट जो है ना आपको याद रखने हैं, ताकि हर पेपर में अगर मैं बात करूं, अभी बिहार दरोगा का मेंस का पेपर होगा, उसमें भी बिहार एसएससी मेंस होगा, उसमें भी बीपीएससी प्रीलिम्स होगा, 66वीं बीपीएससी, उसमें भी यहां से क्वेश्चन आएगा। डेफिनेट है इस बार जो है कि बिहार जनगणना की मैं बात करूं और भारत की जनगणना की 2011 की, तो यहां से बीपीएससी के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसमें और यूपीपीसीएस के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये डेफिनेट है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए मैं बात करूं कि 2001 में भी शिशु लिंगानुपात 935 था 1000 बच्चों पे, ठीक है। साक्षरता दर प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो थोड़ी बढ़ गई होगी, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार 61.80% है। इसमें पुरुष साक्षर हैं 71.2% और महिला साक्षर हैं 51.5%। और बिहार की मैं बात करूं तो 35वां स्थान रखता है पूरे राज्य में। चौथा स्थान रखता है आपका साक्षरता की दृष्टि से भारत में 35वां स्थान है इसका, ठीक है, साक्षरता के दृष्टि से अगर देखा जाए तो।
जनसंख्या की मैं बात करूं तो देखिए जनसंख्या जो है आपकी ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या यहां से पूछता है। शहरी मात्र 11.29% है और ग्रामीण 88.7% है यहां पे, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कहां हो सकते हैं, या तो पटना में हो सकता है, या तो मुजफ्फरपुर में हो सकता है, या तो आपका पश्चिमी चंपारण में हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहां पे पटना में है, ठीक है। उसके बाद से पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक जनसंख्या है, फिर आपका मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, याद रखने हैं। पटना, पटना के बाद से ऊपर पूर्वी चंपारण और पटना के बगल में मुजफ्फरपुर, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले शेखपुरा है, शेखपुरा के बाद से शिवहर और उसके बाद से अरवल है, ठीक है। न्यूनतम सर्वाधिक शेखपुरा में है, ठीक है। सर्वाधिक जन घनत्व की अगर मैं बात करूँ शिवहर में है। शिवहर आप लोग जानते हैं कि लैंडलॉक इलाका है आपका बिहार का, ठीक है, स्थलबद्ध जिला है बिहार का। ये जो है पूर्वी चंपारण में ही पड़ता है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बीचों बीच में छोटा सा ये जो है कि डिस्ट्रिक्ट है। शिवहर सर्वाधिक जनघनत्व यहाँ पे है, उसके बाद पटना, फिर दरभंगा, ठीक है। न्यूनतम आपका कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, ठीक है। बांका आपका जो है कि पश्चिम बंगाल से भी लगता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, गोपालगंज का 1051 है, ठीक है। देखिए सर्वाधिक है तो यहाँ पे जो आपका कम देखने को मिला था ना, ये यहाँ पे जो कम देखने को मिला है ये गोपालगंज से पूर्ति कर लेते होंगे, ठीक है, तो क्लियर है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, फिर सिवान हमारा जिला है, इसमें दूसरे नंबर पे है लिंगानुपात के मामले में। उसके बाद से सारण, न्यूनतम की मैं बात करूँ तो मुंगेर के बाद से भागलपुर, उसके बाद से खगड़िया, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर कहाँ पे हैं लोग, तो रोहतास में है और उसके बाद से पटना, फिर भोजपुर, ठीक। सर्वाधिक रोहतास में जो आपका रोहतास जो झारखंड से लगता है वो आपका जिला है, फिर पटना है, फिर आपका भोजपुर है। न्यूनतम की मैं बात करूँ, न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है, पूर्णिया आपको पड़ता है किशनगंज से जस्ट नीचे, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वर्षा वहीं पर होती है, न्यूनतम पूर्णिया में, फिर आपका सीतामढ़ी में, ठीक है। अब एक चीज देखिए, पुरुष साक्षरता की मैं बात करूं तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक रोहतास में ही है और महिला साक्षरता भी सर्वाधिक आपका रोहतास में है, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, पटना की है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या की मैं बात करूं तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में निवास करती है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखते हैं। सर्वाधिक SC शेड्यूल्ड कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं, गया में, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि उस टाइम जब सेकेंड पार्ट मैंने बताया था तो गया में असुरों का सर्वाधिक विकास होता था, जहां पे पिंडदान लोग आजकल करने जाते हैं और गया प्रसिद्ध है बौद्ध के लिए, तो आप लोग जानते ही हैं। सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट गया में, सबसे कम अगर मैं बात करूं तो शिवहर में है, ठीक है। शिवहर आप लोगों को बता दिया हूं कि लैंडलॉक जिला है बिहार का, ठीक है। सर्वाधिक ST पूर्वी चंपारण में, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी आपका पूर्वी चंपारण में है, इसलिए सर्वाधिक ST जो है आपके पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। अब मैं बात करूं क्षेत्रफल में बिहार का चौथा स्थान है तो ब्राह्मा स्थान है, ठीक है। और जनसंख्या की मैं बात करूं तो जनसंख्या में आपका ये तीसरे स्थान पर है। देखिए पहले स्थान पर UP, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार और जो है कि चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो आपके जो चार जो इम्पोर्टेंट है, तीन या चार तक आपको याद रहना चाहिए, बाकी तो आप याद करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की अगर मैं बात करूं तो किशनगंज, और सबसे कम आपका जो है कि पटना के बाद औरंगाबाद में होता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए मैं बात करूं कुछ बिहार में सिंचाई, तो समझिए सिंचाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो देखिए नलकूपों से बिहार में सिंचाई 54.6% होती है, ठीक है। कहाँ पे आपका होती है, नलकूपों से 54.6% होती है बिहार में। नहरों से सिंचाई होती है 33.6%, कहीं कहीं आपका 31.1% भी दिया हुआ है, 33.1% भी दिया हुआ है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बिहार शताब्दी नदी नलकूप योजना चलाई जा रही है, जो पूरे 38 जिलों में चलाई जा रही है बिहार के, ठीक है। क्या, एक बार और सुनिए, बिहार शताब्दी नदी नलकूप योजना बिहार के पूरे 38 जिलों में चलाई जा रही है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना जो है कि बिहार के कुछ जिलों में चलाई जा रही है, जैसे आपका नवादा, कैमूर, रोहतास और सीतामढ़ी में चलाई जा रही है।
इसके अंतर्गत दुर्गावती और पुनपुन बैराज योजना विकसित किया गया है। ठीक है, तो बैराज पुनपुन योजना जो है कि आपका विकसित किया गया है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि बिहार में जो फसल सघनता है वो सर्वाधिक, ये परसेंटेज पूछता है कितना है, तो 145% है बिहार में सर्वाधिक फसल सघनता, 145%। सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल जो है बिहार की वो कौन सा है, चावल। और चावल के उत्पादन के लिए एक योजना भी चलाई जा रही है जिसका नाम आता है श्री विधि। और मैं बात करूँ कि फिरोज जीरो तिलेज विधि का भी प्रयोग किया जा रहा है इस चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि मुख्य फसल आपकी क्या हो गई, बिहार की चावल। अब देखिए सर्वाधिक फसल सघनता की अगर मैं बात करूं तो किस जिले में है, तो अररिया में है। सबसे कम फसल सघनता अरवल में है। उसके बाद से मैं बात करूं बहुमूल्य कृषि क्षेत्रफल वाले जिला की अगर मैं बात करूं तो वह है आपका बक्सर। ठीक है, हृदय योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिसमें 12 जो है कि आपके डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जिसमें से बिहार का एक गया भी जो है कि हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, लोकगीत की बात करूं मैं तो बिहार में जो लोकगीत है जैसे आपकी पूर्वी, लचानी, लंगनी, ये आपका लोकगीत है बिहार का। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। लोक नृत्य की मैं बात करूं तो झझिया, खिलड़िया, घूमर नृत्य, पवड़िया नृत्य और विदेशिया नृत्य, ये सारे नृत्य जो है आपके बिहार में होते हैं। क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं बिहार के कुछ जो प्रमुख पर्सनालिटीज हैं उनको देखते हैं। तो आइए समझिए पर्सनालिटीज जो बिहार के हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो बिहार में हमारे पाणिनि साहब आते हैं। पाणिनि ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी अष्टाध्याय की, इन्होंने ही रचना की थी। ठीक है, संस्कृत के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, तो आप लोग इनको जो है कि याद रखिए। आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूं तो ये गणितज्ञ एवं खगोलविद थे, और आप लोग जानते हैं गुप्त काल में जो है कि आर्यभट्ट साहब ही थे। ठीक है, आर्यभट्टियम इन्होंने लिखा है। ठीक है, इससे इसको आर्यभट्टियम जो है कि इन्होंने ही लिखा है। शांति रक्षित की अगर मैं बात करूं तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, जब ह्वेन सांग जो है कि मगध साम्राज्य जब चल रहा था, तो ह्वेन सांग जब आया था 629 बीसी में, तो उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम इस नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिलभद्र हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन शांति रक्षित ये भी आपके बिहार से थे जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। अब मैं बात करूं द्वीपाल और द्विपाल जो है आपके मूर्ति कला के लिए निपुण थे। मूर्ति कला में जो है कि ये लोग निपुण थे, ये लोग भी आपका बिलोंग करते हैं बिहार से ही। मंडल मिश्र की मैं बात करूं तो वेदांत दर्शन मंडल मिश्र के द्वारा ही लिखा गया है। कर्पूरी ठाकुर एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति बिहार का, जो अपने समाज सेवा में काफी योगदान दिया। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर बहुत ही बड़ा नाम है अपने आप में ये। तो कर्पूरी ठाकुर समाजवादी सोच के लिए सर्वाधिक विकसित हैं। बीपी मंडल जो बिहार से बिलोंग करते हैं। सहजानंद सरस्वती की मैं बात करूं तो ये किसान नेता थे। क्या थे? किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वामी सहजानंद और मोहन नारायण की पुस्तक जो आई थी, जिसमें सबसे पहले सहजानंद सरस्वती और मोहन नारायण ने मांग किया था किसके लिए, कि बिहार को अलग प्रांत के लिए मांग किया था। ठीक है, कब मांग किया था आप लोगों को पता होनी चाहिए ये मेरे प्यारे दोस्तों, 1906 में मांग किया था इन्होंने। ठीक है, अब मैं बात करूं गुरु गोविंद सिंह पटना से बिलोंग करते हैं, वहीं इनका जन्मस्थली है। ठीक है, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए विलायत अली और मैं बात करूं कि बीर अली, ये पटना पुस्तक विक्रेता के बहुत ही प्रसिद्ध जो है कि व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भाषा की बात करूं कि बिहार में जो भाषाएं चलती हैं वो कौन कौन सी हैं उसको समझिए। आइए देखते हैं भोजपुरी के जनक की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं भिखारी ठाकुर, बहुत ही बड़ा नाम अपने आप में। ठीक है, भोजपुरी यानी कि भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जनक कहा जाता है। और भोजपुरी जो है मगही के अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? मगही के अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है, जिसे भोजपुरी कहा जाता है।
बिहार के पश्चिम और उत्तर की पूर्वी वाले क्षेत्र में जो है कि ये बोला जाता है। बिहार का पश्चिम मैंने बताया था आप लोगों को मैप में जब बताया था, तो सिवान, गोपालगंज, छपरा, सारण जो है कि आपका ये सारे उत्तर प्रदेश से भी टच करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के कुछ जो है और बिहार के पश्चिम वाले क्षेत्र में जो है कि भोजपुरी बोली जाती है और उत्तर के पूर्वी वाले क्षेत्र में भी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक ठीक है। मैथिली की मैं बात करूं तो मैथिली भाषा यहाँ पे बोली जाती है और मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि आप लोग जानते हैं विद्यापति, जिनकी एक रचना आती है कीर्तिलता, बहुत ही प्रसिद्ध है रचना कीर्तिलता, तो ये भी जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगही की मैं बात करूं तो मगही भाषा जो है कि लक्ष्मी नारायण पाठक की मैं बात करूं तो काफी प्रसिद्ध है मगही के लिए। ठीक है, तो ये भोजपुरी भाषा है, यानी कि भोजपुरी और अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं लेकिन उनको सर्वाधिक इतनी मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए जो है कि हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भाषाओं की बात किए हैं। तो देखिए, अब मैं बात करूं कि जो मेले लगते हैं, मेले में आप जानते हैं कि सोनपुर का मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है और भारत का तो सबसे बड़ा है ही है, 1850 में इसकी शुरुआत हुई, आप लोग जानते हैं सोनपुर में ये लगता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं और जो मेले आते हैं उसके बारे में मैं बात करूं तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मास्टर वीडियो के साथ। तो आप लोग जो है कि उस मास्टर वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आपके सामने जो है बीईओ का पेपर, यूपीपीसीएस का पेपर और आरओएआरओ का पेपर और बीएड का पेपर जो है कि आपके सामने खड़ा है, इसलिए आप लोग जो है कि आप लोग जरूर और जरूर जो है कि उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो देखें ताकि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो एट लास्ट, जय हिंद।